तो पता ही नहीं लगा दोस्तों, और हम लोग के चार एग्जाम्स बीत गए। अब मैथ्स बाकी है और बायो वालों का बायो बाकी है। कॉमर्स वालों की तो अपन लोग बात करते नहीं है। तो यार एक जुनून तो अब जो फेल होने वाला है या फिर अब जिसका जैसा भी एग्जाम गया है, मैथ्स तुम्हारी इज्जत बचा सकता है, बायो तुम्हारी इज्जत बचा सकता है। और इसके लिए सफिशियंट टाइम है 10 दिन। आज से लग जाना यार, आज से लग जाना। पिछले चार एग्जाम का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। अगर जुनून कभी भी लो हुआ, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी गहराई से तुम्हें चोट लगी है। अगर सच में चोट लगी होगी तो तुम इंतजार मत करना कल का, और ना ही तुम सोने का। अपने बॉडी के हर एक अंग को ये कर दो यार, पिंच अप कर दो। लेकिन जगो जगो और काम करो, अभी से बैठ जाओ। 2 बजे, 2:30 बजे, कुछ लोग 3 बजे खाना खाओ, 4 बजे से बैठ जाओ यार। शाम के 9 बजे तक फर्स्ट दिन 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करो। फिर उसके बाद में तुम 3 घंटे फिर मजे कर लो, लेकिन पहले पढ़ाई। इससे क्या होगा कि एक दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तुम 9 बजे के बाद फिर दोबारा खाना खाओ, उसके बाद 2-3 घंटे तुम चिल मारो, एक मूवी देख लो, जो मन हो सो करो। फर्स्ट दिन बेकार नहीं जाना चाहिए, ताकि इन 5 घंटे में अगर तुम्हारा एक चैप्टर भी विथ प्रॉब्लम्स खत्म हो गया, तो यार आउट ऑफ 14-15 चैप्टर्स एक चैप्टर तुम्हारे सुपर डुपर हिट हो गए। यानी कि एम रखना है यार अपन लोग को 100 बाई 100। और मैथ्स में तुम्हें पता है ना कि लिखने पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ थोड़ा सा स्टेप मार्किंग होता है, तो वो ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। तुम 10th पास करके आए हो यार, उतना तो लिखना सीख ही गए होगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी हुई, तुम्हें आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज से अभी से बैठ जाओ। बस इतने ही दिल की बात कह रहा हूं, क्योंकि सेम चीज मेरे भी दिमाग में चल रही है। अब ये पूछना वगैरह 17 तारीख के बाद करेंगे यार, पूरे एग्जाम का रिव्यू लेंगे ना वन बाई वन। मैं किसका मैथ्स कैसा गया, किसका फिजिक्स कैसा गया, आज का केमिस्ट्री कैसा गया। लेकिन यार आज मैथ्स है, समझ लो कि बाकी सब में तुम 2 एग्जाम में फेल भी हो जाओ, फेल भी हो जाओ। लेकिन अगर मैथ्स या फिर बायो में सोचो यार 95 अबव, 100 में 100 लाते हो, तो फिर तो कम से कम फिर तुम अपन लोग एक साइंस स्टूडेंट कहलाने के लायक बचेंगे। तो ये बस समझ लो कि अपन लोग का इज्जत बचाने वाला है, और बाकी सारे जो पिछले पाप है ना, सारे को धोने वाला है। तो पिछले सारे पाप अगर धुलने हैं तो संभाल लेना यारा। चलो ठीक है, बाय बाय। मैं अभी से जा रहा हूं पढ़ने, होप कि तुम भी जा रहे हो पढ़ने। आज का दिन मिस मत करना। और स्ट्रेटेजी कम देखो यार, काम ज्यादा करो। अभी देखो कुछ समय में स्ट्रेटेजी वीडियोस बहुत सारी आ जाएंगी। पहले दिन खुद ब खुद काम करो, 5 घंटे काम कर लो, 9 बजे के बाद तुम स्ट्रैटेजी देखो। मूवी के बदले अच्छा रहेगा स्ट्रैटेजी देखो, उसमें भी तो मनोरंजन ही होता है अपन लोग। और क्या मनोरंजन के लिए जाते ही हैं? मेहनत करना होता तो अपन लोग एक बार स्ट्रैटेजी देखते किसी एक का फिर फॉलो करने लग जाते। पता चलता है कि कल स्ट्रैटेजी देखते हैं 10 दिन का, परसों देखेंगे अच्छा 9 डे, 9 लास्ट 9 डेज स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद 7 दिन स्ट्रैटेजी, फिर लास्ट 2 डेज, फिर हाउ टू कंप्लीट इन 1 डे, हाउ टू पास तक की नौबत आ जाती है। 10 दिन कम नहीं होते हैं। चलो ऑल द बेस्ट। ओके।